विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी अयोध्या में पर्यटन विभाग ने हेरिटेज वॉक का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ कमिश्नर नवदीप रिड़वा ने किया। इस वॉक में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं समेत स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने राम की नगरी अयोध्या को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित करने की योजना भी बताई। दरअसल 1950 के पहले बने हुए भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में संरक्षित किया जाता है। हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर हेरिटेज का तात्पर्य होता है कि जो 1950 से पहले बिल्डिंगें बनी हैं उसमें हेरिटेज में कई क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो ये क्लासिक हेरिटेज जैसे होता है 1935 के पहले की जो बिल्डिंगें होती हैं उन्हें सिल्वर क्लासिक दिया जाता है, उसके बाद गोल्डन क्लासिक दिया जाता है। 3 भागों में हेरिटेज को विकसित किया जाता है। तो अयोध्या सबसे प्राचीन नगरी है और ये गोल्डन हेरिटेज के श्रेणी में आता है और इसको उसी तरह सुंदर और संवारने का काम हो रहा है। पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ये हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है और ये हनुमानगढ़ी से शुरू हुई, फिर दशरथ भवन होते हुए भी यहाँ कनक भवन पहुँची है और एक क्वीन हो पार्क तक जाएगी। इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अपनी विरासत के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।